हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज मैं ब्रीफली कवर करूंगा एमिरेट्स एटीपीएल प्रोग्राम के बारे में रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन प्रोसेस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कॉस्ट जो आप में से काफी लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम ओवरव्यू तो ये प्रोग्राम कंडक्ट करता है एमिरेट्स फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी जो बेसिकली एक फ्लाइंग स्कूल है दुबई में एंड ग्लोबली ये काफी फेमस है क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइंस के अंडर यह स्टेबलिश एंड डेवलप किया गया है एंड इस प्रोग्राम में आपको फ्रोजन एटीपीएल मिलता है प्लस एमिरट्स एंड फ्लाई दुबई एयरलाइंस में इंटरव्यू के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है आफ्टर ट्रेनिंग कम्प्लीशन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ये खुद इन्होंने मेंशन किया है ऑफिशियली बट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है ये भी क्लियरली लिखा हुआ है तो जो है वो एज इट इज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 17 इयर्स विथ ट्वेल्थ पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दैट मींस आप थर्टीज या फोर्टीज में भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो इवन आप पीपीएल होल्डर हो तो भी आप एलिजिबल हो Plus 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स होना इज नॉट आप किसी भी स्ट्रीम से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कोर्स परस्यू करने के पहले आपको टॉफेल या आई क्लियर करना होगा विथ मिनिमम स्कोर ऑफ 510 और 5.5 बैंड रेस्पेक्टिवली एंड इसको आप ई टेस्ट मत समझ जाना क्योंकि वो अलग होता है एज पर आई रूल्स नेक्स्ट है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो इनका एग्जाम थ्री टाइम्स होता है एवरी ईयर एंड जब आप उनको कांटेक्ट करोगे देन ओनली वो आपको असेसमेंट के लिए कॉल करेंगे विथ अपकमिंग डेट्स एंड इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना है जिसका करंट कॉस्ट फिफ्टीन हंड्रेड है एंड इसके बाद आपका असेसमेंट डेट कन्फर्म हो जाएगा एंड आपको उसी हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करना होगा दुबई के लिए क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ वहीं कंडक्ट किया जाता है अकैडमी में

कंपस टेस्ट आपका सेम वही है बेसिक मैथ्स शॉर्ट टर्म मेमोरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन रीजनिंग एंड अदर थिंग्स जो मैं पास्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसका एक सैम्पल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड इन सभी स्टेजेस में डिफरेंट कूल ऑफ पीरियड अप्लाई होगा अगर आप फेल होते हो उस केस में देन आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस फेसेस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको अगेन 4200 टू हंड्रेड पे करना है फॉर योर नेक्स्ट फेज जो होगा डे थ्री में एंड इसमें आपका मेडिकल प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी चेक होगा जिसमें मेडिकल मोर और लेस सिमिलर है लाइक अवर डी जी से मेडिकल एंड इसका कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप रिफर करना चाहो तो कर सकते हो देन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में मेरे पास कोई डिटेल नहीं है तो हो सकता है ये फेस टू फेस इंटरव्यू फॉर्मेट में हो या किसी और अदर फॉर्मेट में तो वो आपको खुद से देखना होगा या आप उनको पहले ही पूछ सकते हो देन आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स आपको ज्वाइनिंग डेट दिया जाएगा एंड अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते कुछ डिले या प्रॉब्लम की वजह से तो भी वन ईयर तक आपको टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए देन नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तो इस ट्रेनिंग का टोटल ड्यूरेशन है 94 वीक्स एंड इसमें आपको फ्लाइंग करना है टोटल 280 एटी आवर्स जिसमें सिम्यूलेटर प्लस रियल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग दोनों इंक्लूडेड है एंड ये होगा आपका सिरस एस आर ट्वेंटी टू में जो काफी एडवांस्ड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है एंड इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं प्लस आपको 80 आवर्स एक्चुअल जेट में फ्लाई करने मिलेगा ऑन एमरे फीनोम वन हंड्रेड में जो एंट्री लेवल मल्टी इंजिन जेट एयरक्राफ्ट है एंड ये आपको बाकी किसी भी फ्लाइंग स्कूल में नहीं करवाया जाएगा ऐसा इनका क्लेम है एंड बाय द वे मैंने भी ये चीज नहीं सुना है किसी भी प्रोग्राम में और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल कॉस्ट है टू लैक टेन थाउजेंड यू डॉलर एंड ये आपको नाइन इंस्टॉलमेंट में पे करना है एंड इसमें आपका सभी चीज इंक्लूडेड है दैट इज योर ट्रेनिंग फूड वीजा यूनिफॉर्म एंड तो ये था इस प्रोग्राम का ब्रीफ ओवरव्यू एंड आई होप आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा होगा सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट कीप लर्निंग एंड टेक केयर